एमबीबीएस इन उज़्बेकिस्तान इज़ नॉट वैलिड। अगर आप उज़्बेकिस्तान से मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं तो इंडिया आने के बाद उस डिग्री को हमारी गवर्नमेंट नहीं मानेगी। मिडिल क्लास का फैमिली जिसे यहाँ सीट नहीं मिला, बहुत मुश्किल से उसने माइंड मेकअप किया है उसके पेरेंट्स ने, अब बच्चे को मैं बाहर भेज के डॉक्टर बनाऊंगा। पैसे के अरेंजमेंट में लगा है, विजन बना किया है, ड्रीम देखा है। नुकसान किसका है? पेरेंट्स का। नुकसान किसका है? हमारे स्टूडेंट्स का। जो उज़्बेकिस्तान में कोई रेगुलेटरी बॉडी स्पेसिफिक इसके लिए नहीं है, मेडिकल लाइसेंसिंग के लिए, टू गवर्न द डॉक्टर्स मेडिकल ग्रेजुएट्स, उज़्बेकिस्तान में अभी कोई रेगुलेटरी बॉडी है नहीं। अब इस बातों को हम तोड़ मरोड़ के पेश करें, घुमा घुमा के पेश करें, तो कोई बेनिफिट किसी का भी नहीं है। जब सारा कोई स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से निकल रहा है, अब किस मिनिस्ट्री का लेटर चाहिए? ऑलरेडी मिनिस्ट्री का ही लेटर है। डोंट गेट मिसलीडेड, आप मिसलीड ना होइए। मेरा 1 लाख रुपया सेव हो गया सिर्फ एक वीडियो कर देने से। गुड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। बट एमबीबीएस इन उज़्बेकिस्तान इज नॉट वैलिड। अगर आप उज़्बेकिस्तान से मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं तो इंडिया आने के बाद उस डिग्री को हमारी गवर्नमेंट नहीं मानेगी। इसका मतलब आप लाइसेंसिंग एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे और एक डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। सभी लोग इस बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे, बहुत ही ध्यान से सुन रहे होंगे। ये क्या बात है, ऐसा हो गया क्या? और मुझे जहाँ तक लगता है कि 99% लोगों ने जिन्होंने इस वीडियो को ओपन किया है अभी, उनका रीज़न ही यही था ये देखने के लिए कि ये वैलिड नहीं है क्या। क्योंकि थंबनेल पे बड़ा बड़ा लिखा होगा ना, एमबीबीएस इन उज़्बेकिस्तान, रेड कलर का स्टंप लगा हुआ है, नॉट वैलिड करके। तो एज ए ह्यूमन हमारा जो मेंटल रिस्पॉन्स होता है, हमेशा निगेटिव चीज़ों को देखते हैं। अब हर चीज़ पॉजिटिव है, जहाँ हर कोई किसी चीज़ की तारीफ कर रही हो और हम एक उसकी बुराई करें तो सबका अटेंशन हमारे एक पे होगा, टू बी एक्सेप्शनल, सबसे अलग। क्या बात है ये, क्या कौन सी बात है? और लोग उसे बार बार शेयर करेंगे, रिपीट करेंगे कि क्या बात है, क्या सच्चाई है, क्या रियलिटी है। क्योंकि सब लोग तो सच ही बोल रहे हैं, सब लोग पॉजिटिव बोल रहे हैं, निगेटिव तो कोई बोल ही नहीं रहा है। ये एक सबसे बेस्ट तरीका है और फास्टेस्ट फॉर्मूला है टू गेन अटेंशन, अटेंशन लेने के लिए। हाँ, अगर ये बातें बोली जाए, अगर सच हो तो दैट्स ए गुड जॉब, गुड जॉब, अच्छा जॉब है। बट सिर्फ अटेंशन के लिए बोला जाए तो गलत बात है। जैसे मैं अब एक सिस्टम रन कर रहा हूँ, एक कंपनी रन कर रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ अगर बोल दूँ, एक निगेटिव बातें किसी कंट्री के बारे में, स्पेसिफिक कंट्री के बारे में निगेटिव बातें बोल दूँ और डाल दूँ यूट्यूब पे, आप सभी पेरेंट्स उसको देखेंगे, ठीक है, देख के एनालाइज करेंगे उसको, उसके बाद हमें कॉल करेंगे। क्योंकि सभी लोग क्या बोल रहे हैं कि एमबीबीएस इन उज़्बेकिस्तान वैलिड है, एमबीबीएस इन रसिया वैलिड है। मैंने क्या बोल दिया कि वैलिड नहीं है। अब सब आप मुझे ज़रूर कॉल कीजिएगा, सर आपने बोला वैलिड नहीं है, क्या रीज़न है सर? तो मेरे पास कॉल्स बढ़ गया और दिन में मुझे 200 कॉल, 250 कॉल्स मेरे सिस्टम पे, मेरी कंपनी में 300 कॉल्स बजेंगे। जो 300 कॉल्स मेरे मुझे रिसीव हो, इसके लिए शायद मुझे 1 लाख रुपए का एड रन करना पड़ता। तो मेरा 1 लाख रुपया सेव हो गया सिर्फ एक वीडियो कर देने से। गुड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। बट नुकसान किसका है? पेरेंट्स का। नुकसान किसका है? हमारे स्टूडेंट्स का, जो कि कन्फ्यूज होते हैं, हु गेट कन्फ्यूज। मैं अब इस वीडियो को नहीं कर रहा हूँ कि एमबीबीएस इन उज़्बेकिस्तान इज वैलिड डॉट नॉट, क्योंकि आपको भी अच्छे से पता है और मुझे भी अच्छे से पता है, एमबीबीएस इन उज़्बेकिस्तान इज 101% वैलिड, 101% वैलिड है। मैंने ऑलरेडी पहले भी वीडियो किया था, हाउ टू गेट मेडिकल लाइसेंस, प्रैक्टिस लाइसेंस इन उज़्बेकिस्तान। इसी वीक, पिछले वीक मैंने एक वीडियो किया है, विथ प्रूफ क्लैरिफिकेशन फॉर प्रैक्टिस इन लाइसेंस विथ प्रूफ। मैंने प्रूफ डाले हैं, एम्बेसी का लिंक डाला है, कॉलेज का लिखा हुआ डाला है, सब कुछ डाला है। रिसेंट, अब फिर मैं उस बात को रिपीट करूंगा तो आपका भी टाइम व्यर्थ होगा, मेरा भी। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के पुरानी वीडियोस के लिंक दे दूंगा, जहां आप देख पाएंगे, जहां मैंने विथ प्रूफ प्रूफ किया है और पूरी की पूरी वीडियो इसको डेडिकेट किया है कि कैसे वैलिड है, क्या रूल्स है। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, किसकी बातों को रिपीट कर रहा हूं, सारी बातें। यहां तक मैंने एक वीडियो कटेड स्पीच भी रिकॉर्ड करके डाला है वहां के रेक्टर का, देखिए कैसे वैलिड, सब कुछ मैंने डाल रखा है, आप उसे देखिएगा। बट इसमें रिपीट कर दूं, एमबीबीएस इन उज़्बेकिस्तान इज 100% वैलिड। ये थंबनेल लगाने का रीज़न यही था ताकि मैं आपको रियलाइज करवा सकूं, कैसे आपने इस वीडियो को खोला, कैसे आपका ध्यान यहाँ मैंने खींचा अपने तरफ। और अगर मैं इस वीडियो पर अगर वही बातें बोलता कि वैलिड नहीं है, तो कैसे आप मुझे कॉल करते? अगर आप मुझे कॉल करते, मैं फिर क्या करता आपके साथ? हाँ, वो तो इनवैलिड है, बट ये जो कॉलेज है कजाकिस्तान का ना, ये बढ़िया है, ये जो कॉलेज है रशिया का, ये बढ़िया है। प्रोडक्ट दिखाया कुछ, जब आप मेरे पास आओगे तो मैंने कन्विंस कर दिया किसी और प्रोडक्ट के लिए। ये वेरी बैड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, वेरी बैड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, जो बहुत ही बुरी है। मैं कभी नहीं बोलता हूँ किसी कंट्री का वैलिड नहीं, क्योंकि मुझे पता है वैलिड है, रसिया का वैलिड है, उज़्बेकिस्तान का वैलिड है, कजाकिस्तान का वैलिड है। जो चीज़ वैलिड है, मैं उसको कमेंट करने वाला कोई नहीं होता हूँ, सिर्फ अपने पर्सनल गेन और बेनिफिट के लिए।
बहुत से पेरेंट्स को कन्फ्यूज नहीं कर सकता हूँ, जो बहुत से लोग वहाँ जाना चाहते हैं ऑलरेडी माइंड मेकअप कर चुके हैं, मिडिल क्लास का फैमिली जिसे यहाँ सीट नहीं मिला, बहुत मुश्किल से उसने माइंड मेकअप किया है उसके पेरेंट्स ने, अब बच्चे को मैं बाहर भेज के डॉक्टर बनाऊंगा, पैसे के अरेंजमेंट में लगा है, विजन बड़ा किया है, ड्रीम देखा है, और एक मिसकम्युनिकेशन से, मेरे एक मिस इन्फॉर्मेशन से उसका सारा चीज़, सारी प्लानिंग से डाउट के बीच में आ गया, सीड ऑफ डाउट, मैंने डाउट डाल दिया उनके माइंड में। अब वो डरते रहेंगे कि क्या गलत है क्या सही, चाहे वो कल को बच्चा वहाँ चला भी जाए, पहुँच भी जाए, सब कुछ ठीक भी हो जाए, फिर भी उनके मन में एक डाउट बना रहेगा। मैं इसके लिए वीडियो कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस जो मेजरली मुझे सुनने में आया है, जो पेरेंट्स मुझे कॉल करके मुझसे पूछ रहे थे बार बार, उसलिए मुझे ये वीडियो करना पड़ रहा है, कि जो लेटर है वो एम्बेसी ने दिया है, ठीक है, उसमें लिखा है कि प्रैक्टिस लाइसेंस मिलेगा, कैसे मिलेगा नहीं लिखा हुआ है, वेल एंड गुड नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अब मैं इस पे करके आता हूँ, पहला ये था। दूसरा, यूनिवर्सिटी ने जो हमें लिख के दिया है, जो पेज लिख के दिया है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ने, वो यूनिवर्सिटी की लिखी हुई बात है, हमें चाहिए किसी मिनिस्ट्री का लिखा हुआ बात या किसी रेगुलेटरी बॉडी का लिखा हुआ बात, ठीक है। इस पर मैं अब आता हूँ। उज्बेकिस्तान में कोई रेगुलेटरी बॉडी स्पेसिफिक इसके लिए नहीं है, मेडिकल लाइसेंसिंग के लिए, टू गवर्न द डॉक्टर्स ग्रेड मेडिकल ग्रेजुएट्स, उज्बेकिस्तान में अभी कोई रेगुलेटरी बॉडी है नहीं, वो उसकी आबादी कोई हमारे उतनी बड़ी कंट्री नहीं है, 150 करोड़ 140 करोड़ आबादी नहीं है उसकी। हमारे यहाँ नेशनल मेडिकल कमीशन है, उसके पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया था। हमारी आबादी इतनी बड़ी है, हमारे यहाँ डॉक्टर्स का नंबर इतना ज़्यादा है कि हमें एक सेपरेट रेगुलेटरी बॉडी चाहिए था इसे गवर्न करने के लिए। हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री के पास और भी बहुत काम है, वो गवर्न नहीं कर सकती थी, तो एक अलग रेगुलेटरी बॉडी ही ऑटोनोमस, चलो नेशनल मेडिकल कमीशन अब गवर्न करेगी, बात खत्म, बना दिया गया। ऐसा कोई रेगुलेटरी बॉडी जैसे लोग मांग रहे हैं कि कोई रेगुलेटरी बॉडी दे रहा हो, उज्बेकिस्तान में नहीं है, है ही नहीं। जो भी मेडिकल यूनिवर्सिटियाँ हैं लाइसेंसिंग पर, सब कुछ डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान, यानी कि उज्बेकिस्तान गणराज्य का स्वास्थ्य मंत्रालय देखता है, ठीक है, डायरेक्टली स्वास्थ्य मंत्रालय देखता है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी का लेटर उठा के देखिए, चाहे आपका एडमिशन लेटर आया हो, या आपका अटेस्टेशन लेटर आया हो, या जो लेटर हमने अपलोड किया है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिस पे लिखा हुआ है, जो कॉलेज लिख के दे रही है कि ये रूल्स है, हमारे यहाँ लाइसेंस दिया जाता है और हमारी यूनिवर्सिटी NMC की हर गाइडलाइंस को फॉलो करती है, ये नंबर, और वहाँ पे नंबर भी दिया है किस गाइडलाइन को, जो गजट वाला सर्कुलर है उसको फॉलो करती है। उस लेटर के ठीक ऊपर आप देखिएगा कॉलेज के नाम के ऊपर, चाहे वो समरकंद का हो, चाहे बुखारा या अंडीजन या तस्कर मेडिकल एकेडमी, लिखा होगा द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान, नीचे कॉलेज का नाम और फिर एड्रेस। डायरेक्टली जो यूनिवर्सिटियां हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से मॉनिटर हो रही हैं, तो जो भी नोटिफिकेशन निकल रहा है सब पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के हवाले से निकल रहा है, स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से निकल रहा है, ठीक है। जब सारा कुछ स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से निकल रहा है, अब किस मिनिस्ट्री का लेटर चाहिए, ऑलरेडी मिनिस्ट्री का ही लेटर है। जो यूनिवर्सिटी लेटर को आप फेक समझ रहे हो, कुछ वैल्यू नहीं दे रहे हो, वो किसका लेटर है, वो मिनिस्ट्री का ही लेटर है। आप इंडिया के एक कॉलेज का नाम बताइए जहाँ कॉलेज का नाम लिखा हुआ हो और ऊपर लिखा हुआ हो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। यहाँ कॉलेज खुद इशू करता है, दे हैव द अथॉरिटी टू इशू इट, वहाँ उनको भी अथॉरिटी इशू करने के, लेकिन वो डायरेक्टली अंडर आते हैं हेल्थ मिनिस्ट्री का और वो बात लिखा होता है। तो जो लेटर आप देख रहे हो वो लेटर किसी और का नहीं है, समझिए कि डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से ही आ रहा है। ये बात क्लियर कर लीजिए कि कोई दूसरी रेगुलेटरी बॉडी वहाँ पे नहीं है। अब इस रिस्पेक्ट में एक सुपीरियर बॉडी होता है, अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट पढ़ेंगे उज्बेकिस्तान का, एक सीनियर बॉडी होता है सुपीरियर बॉडी, एक होता है सबऑर्डिनेट बॉडी जिसको हम बोलते हैं रेगुलेटरी। आप समझिए बात को, क्लियर कर रहा हूँ मैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हमारे यहाँ है, ठीक है, वो डायरेक्टली डील नहीं करी, उसने एक रेगुलेटरी बॉडी बनाया NMC, मतलब अब इसके अलावा कोई नहीं है जो हमारे यहाँ देखता है NMC के अलावा। तो NMC हो गया रेगुलेटरी बॉडी, वो सुपीरियर हो गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ठीक है। आते हैं उज्बेकिस्तान के केस में, सुपीरियर हो गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ स्वास्थ्य मंत्रालय, उसके नीचे कौन है डायरेक्टली, कोई अदर NMC ऑर्गेनाइजेशन तो कुछ बना नहीं है, उसके नीचे डायरेक्टली कौन सा यूनिवर्सिटी, तो वहाँ की रेगुलेटरी बॉडी कौन हुई, यूनिवर्सिटी हुई। लास्ट वाले वीडियो मेरा चाहिए, इसमें यूनिवर्सिटी के रेक्टर ने, जो देयर गवर्नमेंट ऑफिशियल, देयर द रेक्टर, समझिए कि हेल्थ मिनिस्ट्री में ही काम करते हैं, वो कॉलेज के नहीं है, हेल्थ मिनिस्ट्री ही उन्हें अपॉइंट करता है, उन्होंने स्पीच में बोला है कि अभी तक हमारे कंट्री में उज्बेकिस्तान में ऐसा कोई एग्जामिनेशन लाइसेंसिंग का नहीं है, आपको जो डिग्री दी जाएगी इस डिग्री ही आपकी लाइसेंस है, इस बेस पे आप रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पे कहीं भी काम कर सकते हैं। क्लियरली स्पीच उन्होंने बोला है ऑन रिकॉर्डेड, ठीक है, प्लस कर सकते हैं। अगर आपको अपने देश जाके इंडिया या पाकिस्तान में काम करना है अगर, तो वहां जाके आपको वहां का एग्जाम देना पड़ेगा लाइसेंस का।
लेटर डॉक्यूमेंटेड जिस पे स्टाम्प और साइन है, भले वो इम्प्लॉय कल को ट्रांसफर हो जाए, रिटायर हो जाए, वैल्यू उसकी खत्म नहीं होगी, ऑन ड्यूटी उन्होंने साइन किया है। एम्बेसी ने भी हमारी उस बात को लिख दिया कि ये रूल से आपको लाइसेंस मिलेगा। क्लियर? अगर आप उज्बेकिस्तान में पढ़ाई किया तो यहाँ लाइसेंस है आपका, प्रैक्टिस लाइसेंस। अब इस बातों को हम तोड़ मरोड़ के पेश करें, घुमा घुमा के पेश करें, तो कोई बेनिफिट किसी का भी नहीं है। हम अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, किसी और का भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, एक डाउट पैदा कर रहे हैं, एक डर पैदा कर रहे हैं, सिर्फ एक पर्सनल बेनिफिट के लिए, जो कि गलत है, जो कि गलत है। आप एंडीजान पढ़ने जाइए, बुखारा जाइए, समरकंद जाइए, ताशकंद जाइए, जहाँ जिस यूनिवर्सिटी में जाना है जाइए। एमबीबीएस इन उज्बेकिस्तान इज़ 101% वैलिड। अब इतने प्रूफ्स अगर काफ़ी नहीं है, हमें निगेटिव अप्रोच देखिए, किसी भी अच्छे चीज़ में निगेटिव ढूंढिएगा तो डर पैदा करना है ना। मैं बोल देता हूँ रशिया में वैलिड नहीं है, वो गलत है, वहाँ पर इंटर्नशिप नहीं मानी जाएगी, वहाँ पर रोटेशन नहीं है, किसी भी हर चीज़ में डर है। आप एम्स में पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा पटना एम्स में, वो तो कल बंद हो जाएगा, मुझे सुनने में आया था, करियर खराब हो जाएगा आपका। तो ये निगेटिव पॉइंट्स हर जगह आएंगे। कुछ दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं जो फैक्ट्स पे बात करते हैं और पॉजिटिव लेके। अब मुझे अगर साबित करना हो, मुझे एक टॉपिक दे दीजिए आप, इस टॉपिक पर आपको बात करना है, ठीक है, और आपको प्रूफ करना है कि ये गलत है, मैं आराम से बात कर सकता हूँ। मैं केवल गलत बात ही लाके ले आऊँगा, वो भी सुनने में सही लगेगा। मैं समझा रहा हूँ, दो आदमी समझा रहा है, दो आदमी और समझा रहा है, कोई निगेटिव लेकर समझा सकता है, कोई पॉजिटिव लेकर समझा सकता है, बट 100 लोग गलत नहीं हो सकते हैं। डाटा गलत नहीं हो सकता है, लेटर गलत नहीं हो सकता है, रिकॉर्डेड प्रूफ गलत नहीं हो सकता है, एम्बेसी की साइट गलत नहीं हो सकती है, इतने चीज एक साथ गलत नहीं हो सकते। हाँ, एक दो बंदे गलत जरूर हो सकते हैं। डोंट गेट मिसलीडेड, आप मिसलीड ना होइए, बिल्कुल नहीं होइए। कोई भी डाउट अभी भी आपके मन में हो, कोई भी कंसर्न हो, कोई मिसलीड कर रहा हो, कोई डाउट पैदा कर रहा हो, अब हमें कॉल करिए, मैं गाइड करूंगा, मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा, जब तक आप सेटिस्फाई ना जाओ और प्रूफ प्रेजेंट करूंगा, एग्जांपल्स प्रेजेंट करूंगा। रेगुलेटरी बॉडी के बाद मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है, और एनएमसी गाइड में लिखा हुआ है कि टू आइदर गेट द प्रैक्टिस टू लाइसेंस फ्रॉम रेगुलेटरी बॉडी और एनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, में जिस भी अथॉरिटी के पास अधिकार हो लाइसेंस देने का। उज्बेकिस्तान में रेगुलेटरी बॉडी यूनिवर्सिटी नहीं है, उसने डिग्री दिया मतलब लाइसेंस है, वो वहाँ की यूनिवर्सिटी के पास अधिकार है। द यूनिवर्सिटीज आर कॉम्पिटेंट, आप समझिए बात को, अब ये मेन पॉइंट है इसका। द यूनिवर्सिटीज इन उज्बेकिस्तान आर कॉम्पिटेंट टू ग्रांट यू प्रैक्टिस लाइसेंस, यानी द कॉम्पिटेंट टू ग्रांट यू डिग्री एंड द डिग्री इज लाइसेंस। तो इन्वेस्टिगेशन लाइन आप पढ़िए पूरा जाके, जो क्लॉज बी में लिखा हुआ, यही लाइन लिखा हुआ है ना, गेट प्रैक्टिस ऑफ लाइसेंस, जो कॉम्पिटेंट वर्ड यूज किया गया था अथॉरिटी के लिए यूज किया गया था, पर एनी अथॉरिटी जिसके पास ये अधिकार हो लाइसेंस देने का है, समरकंद में है, उज्बेकिस्तान में यूनिवर्सिटी ही वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटियाँ हैं जिनको ये अधिकार है कि आपको प्रैक्टिस टू लाइसेंस दे। यूनिवर्सिटी आपको मेडिकल डिग्री दे रही है और वही आपका प्रैक्टिस टू लाइसेंस है, यही मांगती है हमारी यूनिवर्सिटी। डोंट गेट मिसलीडेड, इस पॉइंट पर जरूर फोकस कीजिएगा, अथॉरिटी हु आर कॉम्पिटेंट टू गिव यू लाइसेंस, मीन्स अधिकार हो किसी भी संस्था के पास कि अगर मैं इनको दे सकता हूँ, कहीं पर स्वास्थ्य मंत्रालय को होता है, कहीं पर एनएमसी को होता है, हम इंडिया की बात करते हैं तो हमारे एनएमसी के पास अधिकार है ये प्रैक्टिस लाइसेंस देने का। वहाँ पर यूनिवर्सिटी अगर मेडिकल डिग्री दे रही है, डिग्री ही लाइसेंस है। दज यूनिवर्सिटीज आर कॉम्पिटेंट टू ग्रांट यू लाइसेंस, उनके पास अधिकार है ये एज पर द रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान लॉज। डोंट गेट मिसलीडेड, कॉल मी, आई विल ट्राई टू गाइड यू। थैंक यू सो मच।